नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो एक लाश जल रही है। और मैं आपको बता दूं कि करीबन 30 घंटे पहले इसकी मृत्यु हुई थी, और साथ ही साथ में मैंने आपको करीबन 12-13 घंटे पहले इसकी जानकारी भी दी थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गाँव की समझदारी के द्वारा लाश को जलाया जा रहा है 30 घंटों में, और ये शायद आदिवासी क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। और लोगों ने ये तय किया है कि अगर इस व्यक्ति की जैसे मृत्यु हुई है और जो जो कारण है, जो मुजरिम है, उन्हें अगर सजा नहीं मिलती है तो वे आगे तक लड़ने के लिए जाने वाले हैं। आइए सुनते हैं गांव के लोगों की कुछ राय। तो आपने पुलिस वाला ने पकड़ी नहीं है तो हमारे को निया नहीं मिला है तो इसलिए हमको आगे जाना पड़ेगा। तो हमारे को निया मिलना चाहिए और छोकरी पकड़नी चाहिए। तो कल तक आप बोल रहे थे कि हम लाश नहीं जलाएंगे तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो आज लाश जला रहे क्यों? लाश भी खराब हो रही है इसलिए लाश जला रहे हैं, इसलिए बाद में जला के बाद में जाएंगे। तो आगे कहां तक लड़ने वाले हैं? आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे। कलेक्टर आदेश नहीं करे तो जोधपुर तक हम जाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे। जब सब बच्ची नहीं पकड़े जब हाईकोर्ट जाएंगे। पुलिस वाले ने कहा रहा है। तो आपने देखा कि गांव के लोगों का ऐसा कहना है, और अभी आप देख सकते हैं कि सामने जो लाश है वो जल रही है। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स.com में। नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आदिवासी समाज में जो लाश को जल्दी नहीं जलाया जाता है वो परंपरा भी खत्म हो, और आदिवासी समाज की लाशों को जल्दी जलाया जाए, और आदिवासी समाज से जो कहा जाता है कि अच्छा नहीं है वो भी सबको नजर आए।